नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का संस्कृत पुस्तक का नाम है सुभाषिका तृतीयो भाग, उसका हम लोग चतुर्थ पाठक ये हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। तो पहले हम लोग ये जान लें ये यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद कब हुआ था। तो ये महाभारत में जब पांडव लोग को जब अज्ञातवास हुआ था, अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर को प्यास लगी, तो वो अपने सबसे छोटे भाई सहदेव को पानी लाने के लिए, जल लाने के लिए भेजे। तो पास में स्थित एक सरोवर के पास सहदेव स्वयं गए और वहां से पानी लाने के लिए जैसे ही वो झुके तो उसी समय एक बगुला ने कहा कि इस सरोवर का पानी तभी पियोगे जब मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दे दोगे। परंतु सहदेव ने उसे अनसुना करके और वो पानी को पी लिया। जैसे ही पानी पिया तो वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर बीतने के बाद युधिष्ठिर ने अपने अन्य तीनों भाइयों को भी भेजा बारी बारी से, और वो तीनों भी वो बगुले का जो प्रश्न था उसको अनसुना करके, उसकी वाणी को अनसुना करके, और वो लोग भी पानी पीने को झुके, पानी पीना शुरू किए और वो वहीं पे मूर्छित होकर गिर पड़े। अंत में युधिष्ठिर स्वयं वहां पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो देखा कि अरे मेरे सभी भाई मूर्छित होकर गिरे हुए हैं। देखा कि वो बगुला पेड़ पर बैठा हुआ था और वो बोल रहा था कि इस सरोवर का पानी पीने से पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर तुमको देना होगा, नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे अन्य भाइयों का हुआ है। तो युधिष्ठिर बोला कि महाराज आप प्रश्न को पूछिए। तो वो प्रश्न जो पूछे वो कौन था, बगुला जो कि था वो यक्ष के रूप में था, और वही यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद हुआ, जो क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न पूछा यक्ष और उसका जवाब युधिष्ठिर दिए, और युधिष्ठिर के जवाब देने के बाद जब यक्ष जब उसे संतुष्ट हो लिए उनके उत्तर से, तब उसके अन्य भाइयों को भी, युधिष्ठिर के अन्य भाइयों को वो जीवित कर दिया। और वही हम लोग यहां पर पढ़ेंगे यक्ष युधिष्ठिर संवाद में। यक्ष उवाच, किं नुहित्वा प्रियो भवति, किं नुहित्वा न शोचति, किं नुहित्वार्थ, किम नुहित्वा अर्थवान भवति, किम नुहित्वा अर्थवान भवति, किम नुहित्वा सुखी भवे। कहेंगे किम नुहित्वा प्रियो भवति, हित्वा का मतलब होता है छोड़कर, मतलब मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय होता है। किम नुहित्वा न सोचति, क्या छोड़कर वह शोक नहीं करता है। किम नुहित्वा अर्थवान भवति, क्या छोड़कर वह धनवान होता है। किम नहित्वा सुखी भवेत, और क्या छोड़कर वह सुखी होता है। फिर से सुनिएगा, किम नहित्वा मतलब क्या छोड़कर प्रिय होता है, कौन, मनुष्य। यक्ष पूछते हैं कि मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता है, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, धनवान होता है, और मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है। ये यक्ष का प्रश्न था। अब युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर वाच, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। कहता है कि मानम हित्वा मतलब मान को छोड़कर, सम्मान को छोड़कर, आदर को छोड़कर, अभिमान को छोड़कर वह प्रिय हो जाता है, प्रिय होता है। मनुष्य अपने मान सम्मान आदर को छोड़कर प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, क्रोध छोड़कर के वह शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवेत, और काम को छोड़कर वह धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को छोड़ देता है तो वह सुखी हो जाता है, लोभ छोड़कर वह सुखी होता है। फिर से देखिए, मानम हित्वा प्रियो भवति, मान को छोड़कर प्रिय होता है।
मतलब मान का मतलब हो गया आदर, सम्मान, अभिमान, उसको छोड़ देता है तो वह प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोध को छोड़कर वह शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, काम को छोड़कर वह धनवान होता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को छोड़कर वह सुखी होता है। यक्ष वाच इसको हम लोग पढ़ेंगे, केन स्विदा वृतो लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, केन स्वित आवृतो लोक केन स्वित न प्रकाशते, केन स्वित आवृतो लोक केन स्वित न प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणी केन स्वर्गम न गच्छति। केन स्वित तो संसार किस चीज से ढका हुआ है, किस कारण प्रकाश नहीं होता है, किस कारण प्रकाशित नहीं होता है। केन त्यजति मित्राणी, और व्यक्ति मित्रों का त्याग क्यों करता है, मित्रों का त्याग क्यों करता है। केन स्वर्गम न गच्छति, और वह स्वर्ग को क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जा पाता है। यही कुछ यक्ष पूछते हैं कि संसार किस चीज से ढका हुआ है और वह प्रकाशित क्यों नहीं होता है, प्रकाश उसको क्यों नहीं मिल पाता है, प्रकाशित क्यों नहीं होता है, और मित्र व्यक्ति मित्रों का त्याग क्यों करता है, और वह स्वर्ग क्यों नहीं जा पाता है। युधिष्ठिर उवाच, मतलब युधिष्ठिर बोलते हैं, अज्ञानेनावृतो लोकस्तमसा, या लोकस्तमसा न प्रकाशते। इसको पढ़ेंगे हम लोग, अज्ञानेन आवृतो लोकस्तमसा न प्रकाशते, लोभात त्यजति मित्राणी, संगात स्वर्गम न गच्छति। अज्ञान से ढका हुआ है यह संसार, अज्ञान से ढका हुआ है। वो पूछे थे यक्ष कि यह संसार किस चीज से ढका है, तो यह संसार अज्ञान से ढका हुआ है। लोक तमसा न प्रकाशयते, और ये जो संसार का जो अंधकार है उसके कारण यह प्रकाशित नहीं होता है, मतलब अज्ञान से ढका हुआ है और अंधकार के कारण प्रकाशित नहीं होता है। लोभात त्यजति मित्राणी, लोभ के कारण मित्रों को लोग त्याग देते हैं, संगति के कारण या सहचर्य के कारण लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं। इसका पूरा का मीनिंग हो गया, युधिष्ठिर बोलते हैं यह संसार अज्ञान से ढका हुआ है और अंधकार के कारण प्रकाशित नहीं होता है। लोभ के कारण मित्र त्याग देते हैं, लोग लोभ के कारण मित्र त्याग देते हैं, संगति के कारण लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं, नहीं जा पाते हैं। यक्ष वाच, मतलब यक्ष बोलते हैं, मृतः कथम स्यात् पुरुषः, कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, श्राद्धम मृतम कथम वा स्यात्, कथम यज्ञो मृतः भवेत्। मृतः कथम स्यात् पुरुषः, कैसा पुरुष मरा हुआ है, कैसा राष्ट्र मरा हुआ है, कैसा श्राद्ध मरा हुआ है, और कैसा यज्ञ मरा हुआ है। युधिष्ठिर वाच, मृतो दरिद्र पुरुषो मृतः राष्ट्रम राजकम, मृतम श्रोत्रियम श्राद्धम मृतो यज्ञस्त्व दक्षिणा। इसका क्वेश्चन था, मृतः कथम स्यात् पुरुषः, पुरुष कैसे मृत होता है, राष्ट्र कैसे मृत होता है, श्राद्ध कैसे मृत होता है, और यज्ञ कैसे मृत होता है। उस पर युधिष्ठिर बोले, मरा हुआ है जो दरिद्र पुरुष है वह मरा हुआ है। मृतः राष्ट्रम अराजकम, बिना राजा का जो राज्य है वह राष्ट्र, बिना राजा का जो राष्ट्र है वह राष्ट्र मरा हुआ है। मृतम श्रोत्रियम श्राद्धम, वैसा श्राद्ध जहां पर वेद के मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है वह श्राद्ध मरा हुआ है, और वैसा यज्ञ जहां पर दक्षिणा नहीं दिया जाता, दक्षिणा विहीन यज्ञ, वह यज्ञ भी मरा हुआ है। ये यहां पर हम लोग का यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो है वो समाप्त होता है। और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।